अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदेद आपके अपने चैनल बिहार बोर्ड ऑल सब्जेक्ट में। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंटर एग्ज़ाम 12th क्लास के उर्दू के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स वाले जॉब के बारे में। तो दोस्तों वीडियो के इन तक बने रहें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएँ। साथ ही चैनल पर आने वाले नए दोस्तों से सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके मौजूद बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। आइए दोस्तों कीमती वक्त को बचाते हुए बढ़ते अपने प्रश्न उत्तर की तरफ। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को इन तक ज़रूर आप लोग बने रहें। ये सब आपको जो करा रहा हूँ वो वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब, इसलिए आप इसको ज़रूर ध्यान से देखें और इसके साथ बुक भी पढ़ें और मैं कुछ लास्ट में सब्जेक्टिव सवाल जवाब भी कराऊंगा आप लोगों को, इसलिए मेरे चैनल से आप लोग जुड़ जाएं और मेरे से एग्ज़ाम तक आप लोग जुड़े रहें, बहुत फ़ायदा होने वाला है आप लोगों को। तो कीमती वक्त को बचाते हुए बढ़ते अपने सवाल जवाब की तरफ। इस वीडियो का पहला सवाल है, वह नाम जो किसी खूबी या बुराई की बिना पर आवाम की तरफ से दिया जाए उसे क्या कहते हैं, मतलब क्या कहलाता है वो। इस पर आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ए नंबर में है खिताब, बी नंबर लकब। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं पहले। ए नंबर में खिताब, बी नंबर लकब, सी नंबर कुतुब और डी नंबर तखल्लुस। आप लोग इसका आंसर दीजिए। आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे तो इसका सही आंसर है बी नंबर लकब। किसी शायर को जो नाम दिया जाता है उसे लकब कहते हैं, या किसी मुसन्निफ को या किसी को भी आम की तरफ से जो नाम दिए जाते हैं उसे लकब कहते हैं। अगला सवाल है, किसी की ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब तर्जुमा की, किसकी ख्वाहिश पर, या थोड़ा मिस्टेक हो गया है प्रिंट में। ए नंबर में आसिफुद्दौला, बी नंबर उजान कलकरस्ट, बी नंबर नवाब वाजिद अली, डी नंबर मोहम्मद तहसीन। आप लोग इसका आंसर कीजिए। तो आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे, इसका सही आंसर है बी नंबर, इसका भी बी नंबर है जान कलकरस्ट। इन्हीं की ख्वाहिश पर मीर अमन साहब ने बागो बहार जैसी किताब की तर्जुमा की, लिखे नहीं सिर्फ तर्जुमा किए उस किताब के। अगला सवाल है, हम नहीं जानते किसकी नज़म है, यह नज़म किसकी है, हम नहीं जानते नज़म। ए नंबर है यूजुनो मंताले, बी नंबर अमीक हनफी, सी नंबर जफर कमाली, डी नंबर अता काकवी। आप लोग इसका आंसर कीजिए। आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे, इसका जो सही आंसर है वह ए नंबर यूजुनो मंताले, हम नहीं जानते जो नजम है यूजिनियो मंताले साहब के लिखे हुए हैं, इसके तख्लीककार वही हैं। अगला सवाल है, दायम पड़ा हुआ उतरे डैश पर नहीं यू में विश्राम मुकम्मल कीजिए, मतलब डैश को आप भरिए, खाली जगह को भरिए। तो ए नंबर में घर, बी नंबर दर, सी नंबर सर, नंबर मुंह। आप लोग आंसर कीजिए। होप आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे, इसका सही आंसर है बी नंबर दर, दायम पड़ा हुआ उतरे दर पर नहीं हूँ मैं। अगला सवाल है, अब इब्राहिम सक्का किसका अफसाना है। देखिए सब वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए ये सब सवाल पर। तो आपको बताना है इब्राहिम सक्का जो है अफसाना वो किसका लिखा हुआ है, इसके तख्लीककार कौन है। ए नंबर में सफ़ी जावेद, बी नंबर जिलानी बानो, सी नंबर सलाम बिन रज़ाक, डी नंबर मिंटू साहब। आंसर कीजिए। होप आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे, इसका जो सही आंसर है वो आपका सी नंबर सलाम बिन रज़ाक साहब। इब्राहिम सक्का जो ऑप्शन है इसके तख्लीककार सलाम बिन रज़ाक साहब हैं। देखिए इसमें आपको थोड़ा बहुत ग्रामर भी पढ़ाता रहूँगा ताकि आप लोग को एक ही वीडियो में सब मुकम्मल हो जाए, इसलिए चैनल के साथ आप लोग एग्ज़ाम तक बने रहें, बहुत फ़ायदा होने वाला है। बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है,
नश्तरे यास किसका शेरी मजमुआ है? नश्तरे यास किसका शेरी मजमुआ है? ए नंबर में यगाना चंगेजी, बी नंबर परवेश शाहिदी, सी नंबर वजीर आगा और डी नंबर खलीलुर्रहमान आज़मी। खलीलुर्रहमान आज़मी। आंसर कीजिए आप लोग फटाफट। होप आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है ए नंबर, यगाना चंगेजी साहब। नश्तरे यास जो शेरी मजमुआ है वो यगाना चंगेजी साहब का है। देखिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग बुक को भी ज़रूर पढ़िए और वीडियो को भी, मेरे वीडियो को देखकर बुक को भी ज़रूर पढ़िए ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई परेशानी ना हो और आप अच्छे से अच्छा नंबर एग्ज़ाम में ला सकें। और अंत में मैं आपका सब्जेक्ट सवाल जवाब भी कराने वाला हूँ, इसलिए वीडियो के साथ साथ बुक को भी पढ़िए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। इसी के साथ देखिए ग्रामर का सवाल आ गया है, खबर की जमा क्या होगी? ए नंबर में खबीर, बी नंबर खबरों, सी नंबर अखबार, डी नंबर मुखबिर। आंसर कीजिए आप लोग फटाफट। आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है सी नंबर अखबार। न्यूज़पेपर को हम लोग क्या कहते हैं? अखबार कहते हैं उर्दू में। या खबर की जमा यानी बहुत सारे खबर जो है उसमें रहते हैं, इसलिए इसको अखबार बोलते हैं। बहुत सारे खबरों की जमा, न्यूज़पेपर में होता है ना बहुत सारे खबर एक साथ, तो उसे उर्दू में अखबार बोलते हैं और खबर की जमा अखबार है। ये ग्रामर की सवाल है और आपको एक ही वीडियो में मैं सब कराते जा रहा हूँ। अगला सवाल है, नूर की ज़िद क्या है? अब यहाँ ज़िद पूछ लिया, ज़िद के माने क्या होता है? तो ज़िद के माने होता है उल्टा। ये भी ग्रामर का सवाल है जिसे उर्दू में कवायद बोलते हैं। ए नंबर में अंधेरा, बी नंबर खलवत, बी नंबर सी नंबर जुलमत, डी नंबर रोशनी। अब लोग फटाफट आंसर कीजिए। इसका सही आंसर होगा, आप लोग कर चुके होंगे, सी नंबर जुलमत। नूर की ज़िद यानी नूर की उल्टा जुलमत है। उजाला होता तो अंधेरा होता, और जलवत होता तो खलवत होता, और अंधेरा होता तो रोशनी होता, है ना? इसका जो सही आंसर है, नूर की ज़िद नूर की उल्टा जुलमत यानी तारीख, अंधेरा जिसे बोलते हैं। अगला सवाल है, किस लफ्ज़ का मानी ख़त होता है? देखिए ये भी कवायद का सवाल है, इसलिए आप लोग कवायद के लिए परेशान मत होइए, आपको मैं इसी के साथ साथ कराते जा रहा हूँ एक ही वीडियो में, कवायद और बेसिक दोनों। ए नंबर में है मकतूब, बी नंबर मलहूम, सी नंबर मजमून, डी नंबर मंसूर। आंसर कीजिए। होप आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है ए नंबर मकतूब। मकतूब के माने ख़त भी होता है और ख़त के माने मकतूब भी होता है। ख़त को मकतूब भी कहते हैं और मकतूब को ख़त भी कहते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको मुतजाद बोलते हैं। ये ख़त का मुतजाद है मकतूब, और मकतूब का मुतजाद ख़त है, जिसके दो नाम से, जिन चीज़ों को दो नाम से जाना जाता है उसे मुतजाद कहते हैं। अगला सवाल है, काश तुम मुझे पहले मिल जाते, यह जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है? देखिए ये भी कवायद का सवाल है, काश तुम मुझे पहले मिल जाते। ज़माना किसको बोलते हैं? वो जो टेंस हैं काल, जैसे हिंदी में काल बोलते हैं और इंग्लिश में टेंस बोलते हैं, उसी को ज़माना उर्दू में ज़माना बोलते हैं। तो किस काल से ताल्लुक़ रखता है, यानी किस टेंस से, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर या पास्ट टेंस से? तो ए नंबर में हाल, बी नंबर मुस्तकबिल, सी नंबर माजी मुतलक, डी नंबर माजी तमन्नाई। हाल जो है वो अभी, जो प्रेजेंट टेंस को हाल बोलते हैं और फ्यूचर को मुस्तकबिल बोलते हैं और पास्ट को माजी बोलते हैं, माजी। इसको आपको बताना है। इसका सही आंसर है डी नंबर माजी तमन्नाई, काश तुम मुझे पहले मिल जाते, माजी तमन्नाई की है। अगला सवाल है, ये भी कवायद का है, जज्बा की जमा क्या होगी? ए नंबर में जज्बातों, बी नंबर जज्बों, सी नंबर जज्बात और डी नंबर मजजूब। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। तो इसका सही आंसर है जज्बात, जज्बा की जमा जज्बात। अभी आपको मैं
इसी के साथ कवायद कराते जा रहा हूँ, ये भी कवायद का ही सवाल है। ना खुदा के माने होते हैं, क्या माने होते हैं ना खुदा के? ए नंबर में मल्ला, बी नंबर कश्ती, सी नंबर दरिया, डी नंबर समंदर। होप आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है ए नंबर मल्ला। नाखुदा के माने मल्ला होते हैं, और मल्ला के माने नाखुदा, जिससे ये नाखुदा के मुतजाद हुआ मल्ला। अगला सवाल है, ए वली जो लिबास तन पर रखा, इस मिसरे में वली क्या है? ए नंबर में रदीफ, बी नंबर काफिया, सी नंबर तखल्लुस, डी नंबर खिताब। आप लोग इसका आंसर कीजिए फटाफट। तो आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे, इसका जो सही आंसर है वह सी नंबर तखल्लुस। इसमें जो वली जो लिबास तन पर रखा, इस मिसर में जो वली है वह तखल्लुस है। अगला सवाल है, पहाड़ काटने वाले जमीन से हार गए, इस मिसरे में पहाड़ काटने वाले से ताल्लुक किसका है? है ना, पहाड़ काटने वाले से किस तरफ इशारा करते हैं? ए नंबर में लैला, बी नंबर मजनू, सी नंबर फरहाद, डी नंबर शीरी। आंसर कीजिए आप लोग, पहाड़ काटने वाले वाले जमीन से हार गए, ये किस शख्स की तरफ इशारा किया गया है वो आपको बताना है। होप आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे, इसका सही आंसर है सी नंबर फरहाद। पहाड़ काटने वाले जमीन से हार गए, इस मिस्र में जो पहाड़ काटने वाले से मुराद है वह है फरहाद। अगला सवाल है, दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज मुजक्किर है? देखिए मुजक्किर और मुअन्निस जैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बोलते हैं, मुजक्किर को पुल्लिंग और मुअन्निस को स्त्रीलिंग बोलते हैं इंग्लिश में। उर्दू में मुजक्किर और मुअन्निस होता है। नेमत, ए नंबर में नेमत, बी नंबर रहमत, सी नंबर शेर और डी नंबर क़यामत। आपको इसमें मुजक्किर बताना है, आपको इसमें पुल्लिंग बताना है। तो आप लोग इसको आंसर कर चुके होंगे, इसका सही आंसर है सी नंबर शेर। शेर लफ्ज क्या है? ये मुजक्किर है। देखिए मैं आप लोग आपको सब कुछ कराते जा रहा हूँ, और इसके साथ बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। ये ग्रामर भी करा रहा हूँ आपको, बेसिक भी करा रहा हूँ, इसलिए वीडियो के अंत तक और एग्ज़ाम तक आप मेरे साथ ज़रूर बने रहें, बहुत फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो का लास्ट सवाल है, स्कूल क्या है? स्कूल या हासिल मजदर है या सिफ्त है या इसमें आला है या इसमें ज़र्फ है? होप आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे, इसका सही आंसर है डी नंबर इसमें ज़र्फ। स्कूल क्या है? तो स्कूल इसमें ज़र्फ है। तो दोस्तों आज इतना ही तरक्की, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दीजिए मुझे इजाज़त, खुदा हाफिज़।